हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं रानी सेवन का ब्लेक स्पोक्स एंटरटेनमेंट और आज हम बात करने जा रहे हैं WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट समर स्लैम के मेन इवेंट मैच के बारे में जो कि हमें देखने को मिलेगा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जहां रोमन रेंज अपने कायकल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के अंदर। और आज अपनी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की अभी तक जितनी भी फ्यूड चलती आ रही है उन सब के ऊपर, अभी तक इन दोनों के दरमियान जितने भी मैचेस और इनकाउंटर्स हुए हैं इस सब के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड का आगाज 2015 से हुआ था, जब रोमन रेंस ने 2015 के रॉयल रंबल मैच को जीत कर ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया था WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए WrestleMania 31 के मेन इवेंट के अंदर। और अगर मैं इस मैच की बात करूं WrestleMania 31 का, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का, अभी तक मुझे जितने भी पर्सनली जितने भी रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैचेस हुए हैं मुझे सबसे ज़्यादा ये मैच पसंद है। और इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब भी WWE WrestleMania से पहले अपने टॉप 10 मेन इवेंट्स ऑफ ऑल टाइम, यानी कि अभी तक जितनी भी WrestleMania हो चुकी हैं उनके जो टॉप 10 लिस्ट बनाती है कि अभी तक इन मेन इवेंट्स के अंदर इतनी सारी जो WrestleMania हुई हैं इनके मेन इवेंट्स में टॉप 10 मेन इवेंट्स कौन से हैं, तो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का ये वाला WrestleMania 31 का मैच हमेशा उस लिस्ट में आया है, टॉप 5 में हमेशा ये मैच आया है। तो इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त मैच था। अगर मैं इस मैच के विनर की बात करूं तो सेथ रॉलिंस ने इस मैच के अंदर हिस्ट्री क्रिएट की थी, जो कि इस मैच के अंदर थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मनी इन द बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन किया था इस मैच के अंदर और रोमन रेंस को पिन करके उन्होंने WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया था। WrestleMania 31 के मैच के बाद हमें एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि हमें आने वाले टाइम के अंदर ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के दरमियान और भी मैचेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का जो अगला कॉन्फ़िगरेशन हुआ था वो था फास्ट लेन 2016 के अंदर, जब रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और डीन एम्ब्रोस जो थे एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर आपस में लड़े थे। जो विनर था इस मैच का उसने चैलेंज करना था WrestleMania 32 के मेन इवेंट के अंदर WWE चैम्पियन को, क्योंकि WrestleMania 32 से पहले जो रॉयल रंबल मैच हुआ था 2016 का, उसमें रोमन रेंस जो थे वो WWE चैम्पियनशिप के साथ रॉयल रंबल के अंदर उन्होंने एंटर किया था और अपनी चैंपियनशिप को रॉयल रंबल मैच के अंदर डिफेंड किया था। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ट्रिपल एच ने रोमन रेंस को इस मैच के अंदर हरा दिया था और इसी वजह से ये मैच बुक किया गया था कि इन तीनों सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर, डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस में से जो भी जीतेगा वो मेन इवेंट के अंदर WrestleMania 32 के मेन इवेंट के अंदर ट्रिपल एच को WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। इस मैच की एडवर्टाइजमेंट WWE ने मुझे अभी तक याद है बहुत इंटरेस्टिंग की थी, बीस्ट वर्सेस ब्रदर वर्सेस ब्रदर। और अगर इस मैच के रिजल्ट की बात करूं तो ब्रॉक लेसनर इस मैच के अंदर हार गए थे और रोमन रेंस ने डीन एम्ब्रोस को पिन करके इस मैच को जीत लिया था और उसके बाद WrestleMania 32 को मेन इवेंट किया था अगेंस्ट ट्रिपल एच। और अगर आप अभी तक के इन दोनों मैचेस के हवाले से बात करें तो रोमन रेंस ने अभी तक ब्रॉक लेसनर के ऊपर एक विक्ट्री स्कोर की है और ब्रॉक लेसनर की विक्ट्रीज हैं जीरो। इसके बाद जो अगला मैच हमें देखने को मिला था ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के दरमियान, ये हमें अगले साल समर स्लैम 2017 के अंदर देखने को मिला था, जहां ब्रॉक लेसनर जो थे उस टाइम यूनिवर्सल चैम्पियन थे और रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया था। और ये मैच भी एक सिंगल्स मैच नहीं था बल्कि ये फेकल फोर वे मैच था, जहाँ ब्रॉक लेसनर जो थे वो अपनी यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमन एंड समोआ जो। और ये जो मैच था ये भी वन ऑफ द WWE के अभी तक समर स्लैम जितने भी हो चुके हैं उनके एक ग्रेटेस्ट मेन इवेंट में से एक था। और अगर मैं इस मैच के रिजल्ट की बात करूं तो ब्रॉक लेसनर ने इस मैच के अंदर रोमन रेंस को F5 लगा के अपनी यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को रिटेन किया था, यानी कि इस मैच के बाद 2017 के समर स्लैम के बाद रोमन रेंस के पास भी ब्रॉक लेसनर के ऊपर एक विक्ट्री थी और ब्रॉक लेसनर के पास भी रोमन रेंस के हवाले से एक विक्ट्री स्कोर हो चुकी थी। और अगर आप लोगों को याद हो तो WrestleMania 33 हुई थी 2017 के अंदर और जब WrestleMania ख़त्म हुई थी तो हमें कुछ ही दिन बाद से रूमर्स सामने आना शुरू हो गए थे कि अगले साल WrestleMania के अंदर हमें ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा मेन इवेंट के अंदर एक बार फिर से, क्योंकि WrestleMania 33 के मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंस ने अंडरटेकर को हराया था
और ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग को हरा के यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जीती थी। अब ये मैच रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के दरमियान ये किस तरह बिल्ड हुआ, क्योंकि रोमन रेंज वो दूसरे रेसलर थे WWE के अंदर जिन्होंने अंडरटेकर को रेसलमेनिया के अंदर, वो भी मेन इवेंट के अंदर हराया हो। इससे पहले ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को रेसलमेनिया 30 के अंदर हराया था और उनकी स्ट्रीक तोड़ी थी। तो ये मैच इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सेंस बना रहा था और WWE इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्ड करने में भी कामयाब रही थी, जहाँ रोमन रेंज को एक प्रॉपर बेबी फेस दिखाया गया था रेसलमेनिया 34 से पहले, और ब्रॉक लेसनर का प्रॉपर उन्होंने हील टर्न करवा दिया था और एक ऐसा चैंपियन बना दिया था जो कि अपने टाइटल को डिफेंड ही नहीं कर रहा। और रोमन रेंज जो थे उस टाइम रोमन रेंज के साथ भी क्राउड का काफ़ी सपोर्ट था, लेकिन अगेन बूज भी काफ़ी ज़्यादा थी। अगर मैं रेसलमेनिया 34 के मैच के हवाले से बात करूँ तो ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी यूनिवर्सल चैम्पियन थे, रोमन रेंज ने एलिमिनेशन चैम्बर 2018 को जीतकर ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए चैलेंज किया था। और ये मैच देखकर जब ये मैच स्टार्ट हुआ और जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर के F5 पर रोमन रेंज किक आउट कर रहे थे, तो सब रूमर्स भी ये थे, बैटिंग लॉग्स भी रोमन रेंज के साथ थे और प्रेडिक्शन भी यही थी कि रोमन रेंज इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया 34 के मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंज को हरा दिया था। और इसके बाद हमें रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का मैच जो नेक्स्ट मैच था वो भी हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल गया था, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद WWE का अगला जो पेपर व्यू था वो था ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल इन सऊदी अरेबिया, और इस पेपर व्यू के अंदर भी WWE ने रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच बुक किया था एक स्टील केज के अंदर, और अनएक्सपेक्टेडली इस मैच के अंदर भी ब्रॉक लेसनर जीत गए थे। अगर ओरिजिनल विनर की बात की जाए तो वो रोमन रेंज थे, लेकिन क्योंकि ब्रॉक लेसनर पहले गिरे थे और रेफरी ने जो डिसीजन था वो चैंपियन के हक में दिया था, तो इसी वजह से ब्रॉक लेसनर को जो था वो इस मैच के अंदर एडवांटेज मिल गई थी रेफरी की वजह से, और ब्रॉक लेसनर ने इस मैच के अंदर भी रोमन रेंज को हरा दिया था। तो अभी तक की जितने भी मैचेस हुए हैं इनके बाद ब्रॉक लेसनर का जो स्कोर कार्ड था रोमन रेंज के खिलाफ वो था 3 और रोमन रेंज का था 1। इसके बाद जो अगला मैच हमें इन दोनों के दरमियान देखने को मिला था वो था समर स्लैम 2018 के अंदर, जहां अगेन ब्रॉक लेसनर ने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड किया था अगेंस्ट रोमन रेंज, और फाइनली इस मैच के अंदर रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हरा दिया था, और ब्रॉक लेसनर की जो 500 दिनों की रेन थी उसको भी रोमन रेंज ने ही तोड़ा था। लेकिन अभी तक 2015 से 2018 तक जितने भी हमने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज के मैचेस कवर किए हैं, इनके अंदर रोमन रेंज जो थे वो काफ़ी बड़े बेबी फेस थे WWE की नज़र में। वो अलग बात है कि फैंस रोमन रेंज को उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि फैंस किसी और सुपरस्टार को चांसेस मिलते हुए देखना चाहते थे, ना कि रोमन रेंज को। और जबकि ब्रॉक लेसनर जो थे वो अपने हील सुपरस्टार यानी कि बी स्किन कॉर्नेट वाले हील गिमिक के साथ काम कर रहे थे, और ये फ्यूड जो थी मुझे नहीं लगता कि काफ़ी सारे फैंस को, मतलब सिवाय रेसलमेनिया 31 के मेन इवेंट के अलावा कोई बाकी मैचेस जो थे रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के, उनमें इतनी ज़्यादा फैंस ने इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाया, क्योंकि ज़्यादातर फैंस जो थे वो अक्सर इनके मैचेस के दरमियान किसी और सुपरस्टार के लिए चेयर कर रहे होते थे या फिर दोनों को ही बू कर रहे होते थे। लेकिन फिर 3 साल बाद जब रोमन रेंज का गिमिक जो था वो टोटली चेंज हो चुका था, रोमन रेंज अब बेबी फेस नहीं थे बल्कि वो अब बन चुके हैं ट्राइबल चीफ, जो कि अभी भी इनका गिमिक चल रहा है, और ब्रॉक लेसनर जो थे वो ड्रू बैकनेकास्टर रेसलमेनिया 36 के अंदर WWE चैम्पियनशिप हारने के बाद WWE से जा चुके थे लास्ट ईयर समर स्लैम 2021 के मेन इवेंट के अंदर ब्रॉक लेसनर ने अपना रिटर्न किया। और इस रिटर्न की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी, और इस मैच के अंदर ये जो दोबारा से इन दोनों की फ्यूड स्टार्ट हुई इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था वो था पॉल हेमन का, क्योंकि पॉल हेमन 2015 से 2018 के अंदर जब ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज की फ्यूड थी उसके अंदर ब्रॉक लेसनर के साथ थे पॉल हेमन, लेकिन जब से रोमन रेंज का ट्राइबल चीफ वाला गेमिंग इंट्रोड्यूस हुआ है तो पॉल हेमन जो थे वो रोमन रेंज के साथ हैं, ना कि ब्रॉक लेसनर के साथ। और इसी वजह से इस फ्यूड को जब दोबारा स्टार्ट किया गया तो फैंस का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इस फ्यूड के अंदर आ गया था, क्योंकि फैंस देखना चाह रहे थे कि पॉल हेमन किसकी साइड लेंगे, ब्रॉक लेसनर की या फिर रोमन रेंज की। और फिर समर स्लैम रिटर्न के बाद ब्रॉक लेसनर समर स्लैम 2021 के रिटर्न के बाद हमें इन दोनों का जो पहला मैच देखने को मिला, जहां करेक्टर टोटली स्विच हो चुके थे,
2018 में ब्रॉक लेसनर लॉन्गेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन रह रहे थे, मतलब उनकी एक रेंज चल रही थी टाइटल की, लेकिन 2021 के अंदर रोमन रेंज की एक लंबी रेंज चल रही थी यूनिवर्सल चैंपियन के तौर पर। 2018 में पॉल हेमन जो थे वो ब्रॉक लेसनर के साथ थे, लेकिन 2021 के अंदर पॉल हेमन जो हैं वो रोमन रेंज के साथ थे, और इसीलिए इस मैच को देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और इस मैच को WWE ने बुक किया सऊदी अरब के अंदर क्राउन जूल पे पर व्यू प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। और अगर मैं इस मैच के रिजल्ट की बात करूं तो ब्रॉक लेसनर इस मैच के अंदर हार गए थे। और इसके बाद जैसे कि आपको याद होगा कि ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड कर दिया गया था, और फिर ब्रॉक लेसनर ने जब अपना रिटर्न दोबारा किया स्मैकडाउन के ऊपर, तो हमें ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के दरमियान एक और मैच देखने को मिला जो कि बुक किया गया था वन डे पे पर व्यू के लिए, लेकिन ये मैच हो ना सका क्योंकि रोमन रेंस को कोविड हो गई थी। और फिर ब्रॉक लेसनर को WWE ने WWE चैम्पियनशिप के मैच के अंदर इंसर्ट कर दिया था, और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने बिगी को हरा के WWE चैम्पियनशिप जीत ली थी। लेकिन WWE चैम्पियनशिप जीतने के बाद भी ब्रॉक लेसनर का जो इंटरेस्ट था वो यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के अंदर था और रोमन रेंस के अंदर था। वो रोमन रेंस को हराना चाहते थे यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए, और ये चीज़ हमें एग्जैक्टली इनका जो नेक्स्ट मैच था वो हमें रेसलमेनिया 38 के अंदर देखने को मिला। और क्योंकि इस चीज़ के रूमर्स पहले से ही आ रहे थे, सिर्फ जो डिसीजन था वो काफ़ी चेंज इस वजह से हुआ था, क्योंकि अगर वन डे पे पर व्यू के अंदर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच होता तो उस मैच के हवाले से ओरिजिनल प्लान्स कुछ इस तरह थे कि उस मैच के अंदर रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर हरा देते और ब्रॉक लेसनर जो थे वो यूनिवर्सल चैम्पियन बन जाते, और रोमन रेंस जो थे वो दोबारा से अपने यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को कैप्चर करने के लिए ब्रॉक लेसनर को फेस करते रेसलमेनिया 38 के मेन इवेंट के अंदर। लेकिन क्योंकि रोमन रेंस को कोविड हो गया था और ये सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई थी, मतलब हुई तो सही लेकिन मतलब काफ़ी हद तक ये चीज़ें चेंज हो गई थी। और फिर रेसलमेनिया 38 से पहले रॉयल रंबल 2022 प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को WWE चैम्पियनशिप मैच कॉस्ट करवाया था बॉबी लैशली के अगेंस्ट, और फिर ब्रॉक लेसनर ने रॉयल रंबल के अंदर एंकर करके रॉयल रंबल को जीता और अगेन चैलेंज किया रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। लेकिन इससे पहले जो हमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को तो चैलेंज किया ही किया, लेकिन साथ में बॉबी लैशली को भी अपने रीमैच के लिए WWE चैम्पियनशिप के रीमैच के लिए चैलेंज कर दिया। और ये रीमैच जो था वो हमें देखने को मिला एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, जहां ब्रॉक लेसनर के साथ चार और कंटेंडर भी थे WWE चैम्पियनशिप मैच के लिए, और बॉबी लैशली जो थे वो अपनी चैम्पियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। और बॉबी लैशली क्योंकि इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, तो ब्रॉक लेसनर ने इस एलिमिनेशन चेंबर मैच को भी जीता, अपने करियर का पहला एलिमिनेशन चेंबर मैच जीता, और WWE चैम्पियन बनकर उन्होंने यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए रोमन रेंस को रेसलमेनिया 38 के मेन इवेंट के अंदर चैलेंज किया। पर इस मैच की हाइप WWE ने द बिगेस्ट मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम रखी थी, जहां चैम्पियन वर्सेस चैम्पियन मैच था और जो विनर था वो विनर दोनों चैम्पियनशिप को अपने पास रखता। रूमर्स इस चीज़ के पहले बहुत ज़्यादा थे कि रोमन रेंस चैम्पियन बनेंगे और ग्लोबल चैम्पियन बनेंगे, लेकिन बैकिंग ऑक्स जो थे वो ब्रॉक लेसनर को भी फेवर कर रहे थे, लेकिन क्योंकि रोमन रेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, रोमन रेंस अपनी प्राइम में भी हैं, अभी ब्रॉक लेसनर की एज फैक्टर भी था, और साथ में ये था कि WWE इतने अरसे से जो ट्राइबल चीफ के करेक्टर को बिल्ड कर रही है उसको भी तो एक मतलब WWE ने प्रोटेक्ट करना था। और यही चीज़ हमें रेसलमेनिया 38 के मेन इवेंट के अंदर देखने को मिली, जहां ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस ने WWE और यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए हरा दिया। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अब फैक्ट लग रही थी कि शायद अब हमें इन दोनों की मज़ीद फ्यूड आगे ना देखने को मिले, लेकिन अब फिर से ब्रॉक लेसनर ने अपना रिटर्न किया है और अब हमें इन दोनों के दरमियान लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखने को मिलेगा। अगर हम अभी तक इन दोनों की विन्स और लॉस रिकॉर्ड की बात करें आपस में एक दूसरे के खिलाफ, अभी तक इन दोनों के जितने भी मैचेस हुए हैं, तो ब्रॉक लेसनर का रिकॉर्ड है 3, रोमन रेंस का रिकॉर्ड है 4, यानी कि रोमन रेंस के पास अभी भी अपर हैंड है ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। और अगर मैं इस मैच की बैकिंग ऑर्ड्स के हवाले से अभी तक जो लेटेस्ट बैकिंग ऑर्ड्स आए हैं उनकी बात करूं, तो अभी भी इस मैच के अंदर रोमन रेंस का जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं ब्रॉक लेसनर के मुकाबले में, और रिजल्ट्स में रोमन रेंस इस लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच को भी जीत जाएंगे और ब्रॉक लेसनर जो है दोबारा से रोमन रेंस के आगे हार जाएंगे। और मुझे आइडिया है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वजह से अब मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।